سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. ما ذنبي ذي ولي ورم رم باي علمي ولي 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 مبارك وسلم. لب کیا بیان کرے واہ لب کیا بیان کرے اس ادنا غلام کے لب کیا بیان کرے سجنا غلام کے اللہ جانے مرتبے خیر الانام کے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یارو جو چاہتے ہو شفاعت رسول کی تو تحفے ادب سے بھیجو درود و سلام کے آپ نے مولا مولا علی کرم اللہ تعالی و علی کریم کی شان پاک میں منقبت اور بیان سماعت فرمایا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے رجب رجب اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. رجب کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو. ارے مہینے تو سب اللہ کے بے شک اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں اس کی نسبت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے. میرے بزرگ اور دوستو ایک باپ ہوتا ہے چار پانچ بیٹے ہوتے ہیں کوئی عزیز بچہ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے باپ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ گھر میرا ہے یہ مکان میرا ہے یہ کھیت میرا ہے یہ فلاں میرا ہے فلاں میرا ہے. یہ نسبت کیا بتاتی ہے اس سے محبت. میرے بزرگ اور دوستو یہ اس لیے ہے کہ اس میں تین تو مبارک راتیں ہیں اور جلیل القدر اولیاء کرام کے اس میں عرص مبارک بھی ہے. جیسے کہ رجب کا چاند نظر آیا بزرگ اور دوستو ہندوستان کے سرزمین پر سنیوں کے دلوں میں ایک خوشی چھا گئی. کیا خواجہ کی چٹھی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مبارک مہینہ ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجہ مہینے بے گشا چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. بزرگ اور دوستو ولایت میں بات چل رہی تھی تو میں کیوں نہ علی کے سب سے اچھے اور پیارے اور لالے بیٹے کا ذکر کر دوں. کون ہے غریب نواز کون ہے معین الدین حسن حسنی چشتی. بزرگ اور دوستو تاریخ میں اس کی مثال کوئی لا نہیں سکتا. ولی سب اپنی جگہ پر ہے
और हरेक को अल्लाह ताला ने एक अलग अलग मकाम अलग अलग खुसूसियत अता की है। ये एक कब्रिस्तान है जिसके अंदर कोई गौसे आजम बन के चमका है, कोई मदारे आजम बन के चमका है, कोई ख्वाजा आजम बन के चमका है, कोई इमाम आजम बन के चमका है, कोई मुजद्दिद आजम बन के चमका है, कोई मुहद्दिस आजम बन के चमका है, तो कोई मुबल्लिग आजम बन के चमका है। हरेक की शान निराली है, हरेक का मकाम अलग है। बगीचे में चले जाओ तो कोई तुम्हें गुलाब मिलेगा, कोई चमेली मिलेगी, कोई चंपा मिलेगा, रंग अलग है, गलियां अलग है, डिजाइन अलग है, खुशबू अलग है। लेकिन आपने देखा होगा ये मुबारक शादी का मौका है, अक्सर दुल्हन को सेहरा पहनाया जाता है और हाथ में गुलदस्ता दिया जाता है, गुलदस्ता दिया जाता है। उस गुलदस्ते को आपने देखा होगा कि उसमें गुलाब भी है, उसमें चमेली भी है, उसमें मोगरा भी है, ये सब सब गुल मिल जाते हैं तो गुलदस्ता मिल जाता है। अरे ख्वाजा आ जाए, मदारे आजम आ जाए, गौसे आजम आ जाए, हर वली आ जाए तो ये गुलिस्तान बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक शान और पहचान अलग अलग है, हर एक की विलायत अलग अलग है। लेकिन ये सब के सब का आप नसब देखोगे तो सारे के सारे औलाद अली मिलेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, औलाद अली मिलेंगे। तो ये गौसियत भी कहां से मिली? तो अली के दर से, मदारियत भी अली के दर से, ख्वाजियत भी अली के दर से, कुतबियत भी अली के दर से, अरे मियां आलिम भी अली के दर से, वली भी अली के दर से, हबीब भी अली के दर से, कारी भी अली के दर से। क्यों ना हो, जिसकी शान में अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म लेने के लिए आपको मदरसे में जाना पड़ता है, दारुल उलूम में जाना पड़ता है, मकतब में जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है। बताइए कोई ऐसा मदरसा देखा, कोई ऐसा दारुल उलूम देखा, कोई ऐसी स्कूल या कॉलेज आपने देखी कि जिसका दरवाजा ना हो? दरवाजा ना हो स्टूडेंट विद्यार्थी स्कूल में दाखिल होगा तो दरवाजे से दाखिल होगा, पढ़ के जब निकलेगा तो दरवाजे से बाहर निकलेगा, आते भी दरवाजे को मिलेगा, जाते भी दरवाजे को मिलेगा। बुजुर्गों और दोस्तों एक वक्त का वाकया है, जरा बना नवाज से अपनी दरबार पढ़ लीजिए। जो सब सब हुजूर सल्लम के पास एक बार आता है वो मेरे पास दो बार। वाह वाह वाह। वो मेरे पास दो बार दो बार जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में एक बार आते हैं तो मेरे पास दो बार आते हैं। वाह वाह। मौला अली का मकाम समझिए बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा किराम ने अल्लाह के प्यारे रसूल के सामने ये बात की, या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह। अली ये फरमाते हैं कि जो तुम्हारे पास एक बार आता है वो मेरे वाली के पास दो बार आता है। पूरा अली को बुलाओ बुलाओ। मौला गए आका की बारगाह में, अली अभी ऐसा कहा जो मेरे पास एक बार आता है तुम्हारे पास दो बार आता है, या रसूलल्लाह ये तो आपने ही कहा। सुभान अल्लाह। ये तो आपने ही कहा है, आपने नहीं फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म अलीउल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाजा है, तो आने वाला दरवाजे के पास आता है तो
आते जब दरवाजे से मिलता है और जब निकलता है तब भी दरवाजे से मिल के जाता है। आपको एक बार मिलता है, मुझे दो बार मिलता है। सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मौला कायनात की अगर फजाइल ही बयान करने जाएंगे तो मजलिस खत्म हो जाएगी, आपके फजाइल पूरे नहीं होंगे। बेशक आपके फजाइल पूरे नहीं होंगे। अभी आपने सुना कि 1,24,000 से कम हो गए ज्यादा अंबिया दुनिया में आए, उसके बाद विलायत का सिलसिला शुरू हुआ है। अली से विलायत, अली पहले बने और अली की विलायत जो है वो फैजान नबूवत, नबूवत को अल्लाह ताला ने खत्म नहीं की। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, मिट जाने वाली चीज नहीं है। हाँ, उसे एक पर्दे में डालती है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत खत्म नहीं हुई, नबूवत तो मेरे आका की आज की है और कयामत तक के रहेगी। वो खत्म नहीं होती। नबूवत के पहचान को रब तबारक व तआला ने विलायत के अंदर तब्दील कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, तब्दील कर दिया है, तब्दील कर दिया है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मौला के हाथों से दिया गया। बेशक सुभान अल्लाह, अली करीम अल्लाह तआला वजह करीम ने सरकार का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। गुस्ल से आप फारिग हो गए तो एक रुमाल से, एक कपड़े से जहां जहां पानी था उसको आपने पूछ लिया, पूरे बदन को पूरा कर दिया। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाव जो डूटी थी उसमें पानी भरा हुआ था। वो मौला अली ने ना पूछा बल्कि अपनी जबान से चूस लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी जबान से चूस लिया आका की नाव जो पानी गुस्ल के वक्त भरा हुआ था। अली ने क्या चूसा? विलायत के आप मालिक बन गए। सुभान अल्लाह, अली चाहे वो वली बने। अली को अल्लाह ताला ने वो इख्तियार दिया और सिलसिले विलायत वहां से शुरू हुआ है। ये विलायत फैजान जो है वो गैब है, जाहिर में कभी किसी को मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो तबरकन तबरकन के तौर पर मिलता है। किसी को पीर का जूता पहनने से मिल जाता है, किसी को पीर की जूती सर पे रखने से मिल जाता है, किसी को पीर की खिदमत करने से मिल जाता है। ये वो दुनिया में जो सर्टिफिकेट और डिग्रियां और सनदें दी जाती है इस तरह से ये विलायत नहीं मिलती। आओ आओ, मैं आपके सामने दो चार ऐसी बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तीन मोमिन मर्दों के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, बच्चों में मौला कायनात अली करीम अल्लाह हुजूर करीम, और औरतों में माँ खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली पैदा हुए काबे में 1,24,000 अंबिया में किसी अंबिया की असर आसमानी नहीं। ला तादाद औलिया इकराम हुए और कयामत तक के सिलसिला जारी है। अरे अली तो दो चीज लेके आए हैं कि नबूवत को रब ने रोकी, विलायत तक के चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, विलायत को कोई रोक नहीं सकता। और जब धरती पर अल्लाह का कोई बरी नहीं रहेगा तब कयामत।
बेशक जब तक के इस धरती पर अल्लाह का एक ही वली जिंदा है तब तक के कयामत आने वाली नहीं है। बेशक बुजुर्ग और दोस्तों, वली का क्या मकाम है? अली पैदा हुआ काबिल, अम्मा के गोद में दिए दिए आंखें पर, अब्बा की गोद में दिए बच्चे की आंखें पर, दादा की गोद में दिए दिए खुशियां तो मना रहे हैं। अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ, अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ, अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन एक तकलीफ थी कि बच्चा आंखें खोलता नहीं है। काफिरों ने, मुशरिकों ने एक एक अफवाह फैला दी मक्के में कि देखो खुदा के घर में पैदा हुआ ना तो अंधा पैदा हुआ है। अल्लाह हू अकबर, अंधे नहीं थे, अली की शान कुछ और है। दादी की गोद में दिए गए, अली ने आंखें ना खोली। नाना की गोद में दिए गए, अली ने आंखें ना खोली। सबकी गोद में दिए गए, अली ने आंखें ना खोली। आकाए काए सरकारे तो अल्लाह को खबर खबर जाई, तुम्हारे चाचा के घर घर बेटा पैदा हुआ है। हुजूर खुश हो गए, सुभान अल्लाह, कहाँ है लाओ मेरा भाई कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके हकीकी चाचाजान भाई है। बेशक लाओ मेरा भाई कहाँ है? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में अली को दिए गए, अली की नजरें हुजूर के चेहरे से टकराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर की नजरें अली के चेहरे से टकराई, जैसे जलवा मुस्तफा देखा। अली ने आंखें खोल दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली ने आंखें खोल दी, अली ने आंखें खोल दी। और अली ये कह रहे थे कि मैं दुनिया में जाऊं तो पहले दीदारे मुस्तफा भर लूं, जिसको देखे खुदा को देखना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने मुस्तफा को देखा उसने खुदा को देखा। मैं काबे की छत को नहीं देखूंगा, मैं काबे की दीवारें नहीं देखूंगा, मैं दादा का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं माँ का चेहरा नहीं देखूंगा, देखूंगा मुस्तफा का चेहरा। सुभान अल्लाह, ये शान है मौलाए कायनात की, अली मुर्तजा करम अल्लाह तआला अजुल करीम की। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, चार जान सुनसले दरी करी करके कादरी चिश्ती नक्शबंदी सौरवंदी, इसमें नक्शबंदी के सिवा कादरी चिश्ती सौरवंदी तीनों हजरत अली से जाके मिलते हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर तरीकत के चार हिस्से कर दिए जाए तब भी अली तीन हिस्से के मालिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली तीन हिस्से के मालिक। सब कहते हैं तसव्वुफ की दुनिया में, विलायत की दुनिया में, तरीकत की दुनिया में कि चार पीर है और 14 खान वाले हैं। बताओ तो सही, वो चार पीर कौन है और 14 खान वाले कौन है? आज हर घर किला बना मिल जाती है, सब पीरी पूरी जी शुरू कर देते हैं, चार पीर कौन से? तो कह देंगे नहीं कि कादरी चिश्ती नकी नकी सौरवर्दी, नहीं ये तो सिलसिले हैं। चार पीर में भी तीन पीर अली के खलीफा हैं। पहले है हजरत इमाम हसन हुसैन तबर रहमतुल्लाह, बेशक। दूसरे हैं हजरत इमाम हसन शहीद करबला, और तीसरे हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु, बेशक। और चौथे हजरत कमाल बिन ज़ैद। तो तीन चार पीरों में भी तीन पीर अली के खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, कौन इनकी बराबर कर सकता है? कौन इनके मुकाबले में आ सकता है? बुजुर्ग और दोस्तों, मौलाए कायनात अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी फजीलतों से नवाजा है कि कुछ लोग अपनी कम कम इल्मी इल्मी या नफसानियत की वजह से ऐसे कुछ भी कहे। सोने को पीतल कहने से कभी सोना पीतल होता नहीं है। तेरे को हसद आया था, तूने पीतल कह दिया, और पीतल को सोना कहने से पीतल सोना होता नहीं है।
तू चाहे कितनी भी लाइट लगे, पुलिस चाहे कितनी भी मारे, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों अली एक करम अल्लाह तआला वजूद करीब। एक दिन मदीने की गली से गुजर रहे थे, सामने से सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला आ रहे थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला आ रहे थे, अली को देखकर अमीर मोमिनीन मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, खुशियों का इजहार किया। अली कहते हैं, अमीर मोमिनीन, मुझे देखकर आज इतने क्यों हंस रहे हो, आज इतने क्यों खुश हो? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अली, तुम्हारा मकाम देखकर, तुम्हारा दर्जा देखकर, तुम्हारी शान देखकर मुझे खुशी होती है। अल्लाह ने आपको क्या मकाम बख्शा। हालांकि उस वक्त अमीर मोमिनीन सिद्दीक अकबर हैं, आपकी खिलाफत का दौर है, खलीफा बद्द आप है, अली को देखकर मुस्कुराए। तो अली ने पूछा, क्या बात है ऐ अमीर मोमिनीन, ऐ मेरे सरदार, आप इतने क्यों खुश हो? तो आपने फरमाया कि आपका मकाम बहुत बुलंद वाला है। आपने पूछा, मेरा क्या मकाम है ऐ अमीर मोमिनीन, मेरा क्या मकाम है, आप बताइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया है मुझे, ऐ सिद्दीक, कल मैदान-ए-हश्र वफा होगा, हर एक को पुल सिरात से गुजरना होगा, हर एक को पुल सिरात से गुजरना होगा, लेकिन पुल सिरात के मालिक अली होंगे, पुल सिरात के मालिक अली होंगे। अली जिसको इजाजत देंगे वो पुल सिरात से गुजरेगा, और नहीं गुजरने वाला जहन्नमी हो जाएगा। जो जो निकल गया कामयाब हो गया, अली की इजाजत के बगैर तो कोई गुजर नहीं सकता। तो आप मुस्कुराए, देखो हजरत अली और सिद्दीक अकबर के दरमियान क्या मोहब्बत है, क्या मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करते हैं, बेशक हम चारों खलीफा को अपने सर का ताज मानते हैं, बेशक सुभान अल्लाह, और अली को अपनी जान जान मानते हैं, सुभान अल्लाह। इनके बगैर भी नहीं चलेगा, उनके बगैर भी नहीं चलेगा। और इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला आला हदीस बड़े बड़े ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है मेरा पार आसरा से हुजूर, नज्म है और इमाम है इत्रत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? ये सहाबा को मानने वाले हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है और मेरे अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। सितारे रास्ता बताते हैं, सितारे रास्ता बताते हैं, कश्ती किनारे पहुंचा। अरे किनारे पहुंचना है तो कश्ती नूह में सवार हो, कश्तियां तो बहुत होती है, अरे मियां नूह की कश्ती किनारे नारे लिए। आपने ये कहा मेरे अहले है नूह की कश्ती की मिसाल है, तो अहले बैत का दामन पकड़ो, कश्ती नूह में सवार हो जाओ, सहाबा का दामन पकड़ो, आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा। पहले के जमाने में जब सफर दरियाई सफर होता था तो रात को जहाज चलते थे और सितारे सिर्फ बताते थे, ये सितारा पूर्व की तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब सितारे रास्ता बताते थे। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तो हमें सितारों की भी जरूरत है और कश्ती की भी जरूरत है और अहले सुन्नत का बेड़ा पार। अली ने कहा, अली ने कहा सिद्दीक अकबर से, सुनो सुनो, मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया है? ऐ अली, पुल सिरात से वही वही लड़े जिसके सीने में सिद्दीक की मोहब्बत हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके सीने में सिद्दीक की मोहब्बत हो अली से इजाजत देगा, जिसके सीने में सिद्दीक होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब सिर्फ वाली को मानने वालों से उन राहों से मैं पूछा तुम्हारा क्या होगा। सिर्फ अली को दामन पकड़ने से भी नहीं चलेगा और मैं खातियों से भी कहूँगा कि अहले बैत से दुश्मनी करने वाले अली के बगैर तो तू पुल से नजर नहीं कर सकेगा और सिद्दीक की मोहब्बत के बगैर तू पुल से नजर नहीं सकता। बुजुर्गो दोनों की जरूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जमात है कि सहाबा से भी हम मोहब्बत करते हैं, ये दोनों की मोहब्बत इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में रंग लगाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात की औलाद में जितने भी हुए हैं सब एक से बढ़कर एक एक जलील अलील का जरूर वली पैदा होता है। हर एक की शान अलग अलग है, हर एक की पहचान अलग अलग है, हर एक की करामत अलग अलग है, लेकिन हिंदर वली की शान मैंने ये पढ़ा है। एक वो रिकॉर्ड है ख्वाजा ख्वाजगा का कि जिसने 90 लाख का कलमा पढ़ा है। सुभानअल्लाह, ऐसा कोई मुबल्लिग, ऐसा कोई तबलीग वाला बताए तो सही। आज 200 वर्ष से तीसरे मोर्चे लेके फिरने वाली जमात, तुम ये तो रिकॉर्ड बताओ कि तुमने कितने को कलमा पढ़ाया। हमको अजमेर जाते रोकते हो, हमको दरगाहों पे जाते रोकते हो, अरे तेरे बाप को दादा के दादा को परदादा को किसने कलमा पढ़ाया। यहाँ हिंदुस्तान में गुजरात की सरजमीन पर कोई नबी नहीं आए ये दीन की दावत देने के लिए, जितने भी आए औलाद आए वली आए। सुभान अल्लाह, चाहे वो साहे आलम हो, कुछ भी आलम हो, सावजियो जीन हो, मीरा लातार हो, मेरे बोल हो, तो मैं मुसा बुखारी हो, मैं दमदारे आजम हो, करोड़ों की तादाद में किस किस का हम शुमार करें। बुजुर्गों और दोस्तों, मुबल्लिग बन के आने वाले गुजरात में चार चार थे, एक भरूच में, एक पाटन में, एक काठियावाड़ मालवा में और एक अहमदाबाद। इन्होंने हकीकत में सहाबा किराम की तरह डायरेक्ट जाके कहा है मैं मुझे बड़ो करो कल और तारीख गुजरा रहे हैं। आज भी लिखा हुआ है कि चार मुबल्लिगों ने रीतसर की झुंबे चलाई, उसमें है सुल्तान हाजी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह की जगह अपने अपने सुभान अल्लाह की मुबारक बंदा रजा को आएगा। सुभान अल्लाह की सर जमीन पर आप साहब से पहले तशरीफ लाए हैं और ख्वाजा बजा नवाज से 100 साल पहले आए आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा हुसैन हारूनी के पीरो मुर्शिद हैं, हाजी शरीफ जिंदनी उनके पीरो मुर्शिद है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन महमूद चिश्ती और उनके पीरो मुर्शिद है ख्वाजा अबू यूसुफ नासिरुद्दीन चिश्ती। सुल्तान हाजी बोध ख्वाजा अबू यूसुफ नासिरुद्दीन के खलीफा। इसमें तीन पीढ़ियां हैं और तारीखें भी बता रही है। राजा करण देव सिंह के जमाने में आप पाटन की सरजमीन पर तशरीफ लाए और बुजुर्ग और दोस्तों, ये अल्लाह वाले के नजदीक जब हुक्म इलाही आता है, फरमान रसूल आता है, तो घर बार छोड़ देना, बीवी बच्चे छोड़ देना, कारोबार छोड़ देना, वतन छोड़ देना, अरे मियां हुकूमत को छोड़ देना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई। समरकंद की हुकूमत को छोड़कर आप पाटन तशरीफ लाए, जैसे इब्राहिम आदम बल्की ने बल्कि हुकूमत छोड़ दी, हजरत जहांगीर अकबर सिमनानी ने सिमनान की हुकूमत को छोड़ दी, फाजी हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर की हुकूमत छोड़ दी, इनके सामने हुकूमत कोई चीज नहीं। अरे मियां आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर एक 5 साल की कुर्सी के लिए लोग कैसे ऐसे नाजायज हराम और कैसे कैसे बुरे काम कर रहे हैं। ये कुर्सी की लालच तो सब हो रहा है कि मुसलमानों की आज हालत जो बुरी है इनको लालच दिया कि हमारी कुर्सी चली ना जाए। और वो अल्लाह वाले थे जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था बेटा नहर वाला जा,
भी तबलीग कर उसी वक्त आपका समर्थन मुल्क खाली अल्लाह मार मार वली की शान होती है। और क्यों ना हो, ये अली का बेटा है, अली ने पूरी जिंदगी फकीरी में गुजारी है, माल जमा नहीं किया। और सखी तो ऐसे थे कि किसान है और ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। मेरे दोस्तों उस्मान गनी आंखों में है, उस्मान गनी के पास दौलत थी, हाथी ताई की शकावत सर आंखों पे है, उसके पास बेशुमार दौलत थी, दौलत वाला शकावत कर ले ये तो माना जाता है। लेकिन बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लम सलाम सलाम अलैहि व सल्लम। पी नहीं जिसके पास है और वो खैरात करे, जिसके घर में फाके हो और साहिब इशा ना जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है मियां, ये सखावत नहीं है, ये करामत है। बेशक इसके घर में दौलत और लुटा दे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ना हो और शायद नबी के दर से आए और कहे मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, मौला के घर में कुछ नहीं है, क्या नबी का भेजा हुआ साहिब पीछा जाए अपने जिगर के टुकड़े, अपनी आंखों का नूर, दिल का करार। मियां दोनों लगते जिगर कर मुस्तफा जाने रहने लगे नवासों को, यहूदी के घर गिर भी रहे आने वाले साहिब का सवाल पूरा कर दिया है। अल्लाहू अकबर, कौन ऐसी शकावत करेगा दुनिया में। ओहो मिसाल अली ने कायम कर दी के इल्म में मेरी बराबरी में कोई नहीं, शकावत में मेरी बराबरी में कोई नहीं, शुजाअत में मेरी बराबरी में कोई नहीं, इबादत में मेरी बराबरी में कोई नहीं। क्या कहने, क्या क्या अरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो अली है कि इबादत से भी ज्यादा, नमाज से भी ज्यादा, बंदगी से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। इसके रसूल तो देखो मकाम सहबा में हुजूर के साथ सफर में, आप सफर में एक जगह मंदिर पे आराम कर रहे थे, हुजूर की गोद में, अली की गोद में, अली की गोद में हुजूर ने अपना सर रखा है और आका आका आराम फरमा रहे हैं, आका की आंखें बंद हैं, नमाज असर का वक्त आ गया। उलमा किराम अच्छी तरह से जानते हैं कि नमाज असर के लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में स्पेशल ऑर्डर दिया है कि हिफाजत करो बिछली नमाज की, पांचों नमाजों में ये बिछली नमाज है, एक तरफ फजर और जोहर है, दूसरी तरफ मगरिब और इशा है, और ऐसा ही बिछली नमाज है। बिछली नमाज थी, बड़ी फजीलत वाली नमाज थी, और आका की आंखें बंद है, वक्त असर का हो गया, खत्म हो गया, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, अली अली जिंदगी की नमाज। अरे मियां, मैंने आपको पहले बताया है कि 9 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ा, वो ऐसी उम्र है कि बंदे पे नमाज फर्ज नहीं होती होती। अरे कोई सहाबी 25 साल की उम्र
ईमान लाए, कोई 50 साल की उम्र में ईमान लाए, कोई 60 साल की उम्र में ईमान लाए, कोई 80 साल की उम्र में ईमान लाए। ये बाकी की इनकी पिछली जिंदगियां जो थी वो जहालत के दौर में गुजरी है। अली का तो बचपन था, इसे जहालत का दौर नहीं कहा जाएगा, इसे जहालत का दौर नहीं कहा जाएगा। अभी आप पर नमाज फर्ज नहीं हुई थी और आपने कलमा पढ़ लिया, तब से अली अली नमाज में कभी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। अरे मियां, आपने सुना होगा उलमाओं से कि एक जंग में आपके पैर में तीर लग गया, तीर पिंडली की इधर से उधर निकल गया, आपको बड़ी तकलीफ हुई थी, आप तीर निकालने नहीं दे रहे थे, पैर को हाथ लगाने नहीं दे रहे थे। इस आलम में भी मौला की नमाज नहीं नहीं दी। सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, अली के पैर में तीर लगा है, बहुत बड़ा चकमा है, बहुत तकलीफ है, आप तीर निकालने नहीं दे रहे। हुजूर ने फरमाया, थोड़ी देर ठहर जाओ, नमाज का वक्त होने दो, नमाज का वक्त होने दो। अली जब नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, मैं भी नमाज हो जाए तब तीर खींच लेना है। हमको तो कांटा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता मियां, 3 दिन तक तो हम मस्जिद में नहीं जाते, कांटा लग जाता है। ऐसा ही हुआ, अरे पैर में तीर इधर से उधर निकल गया है, जब भी अली की नमाज नहीं गई। सुभान अल्लाह, और इसके रसूल ने आशा की नमाज छोड़ी है, नमाज बड़ी के इसके रसूल बड़ा। अली से सीखो, अली से सीखो, अली से सीखो। बुजुर्ग और दोस्तों, तीर निकाल दिया गया। एक और पति की बात करूं तो मुझे बात पड़ी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम हजरत, अली से किसी ने पूछा, क्या अली आपने खुदा को देखा है? आपने खुदा को देखा है? किसने खुदा को देखा है? है कोई माई का लाल लाए कि मैंने सर की आंखों से खुदा को देखा है? कह भी नहीं सकता, कहे तो इस्लाम से बाहर, सर की आंखों से कोई खुदा को देखने का दावा करे ना, वो मुसलमान नहीं रहता। आप दिल की आंखों से आलम ख्वाब कई अल्लाह वालों ने देखा है, लेकिन सर की आंखों से चर्म चक्षु से देखने वाली जात सिर्फ और बन बन मुस्तफा जाने रहे मेराज की रात में देखा और किसी ने नहीं देखा। अली से किसी ने पूछा, अली तुमने खुदा को देखा है? मकाम अली समझो, मौला फरमाते हैं, जब तक उसे देखता नहीं हूँ तब तक के सजदा करता नहीं हूँ, जब तक के उसे देखता नहीं हूँ तब तक के मैं सजदा करता नहीं हूँ। ऐसी ऐसा आए भाई, आप यहाँ का मिले मेरी बुजुर्ग दोस्तों, मोहब्बत रसूल में नमाज कुर्बान हुई, फिक्र हुई, मेरी नमाज गई, एक तरफ अदब अदब ताज़ीम मुस्तफा, दूसरी तरफ खुदा का डर डर, नमाज छूटी वो भी असर की, खौफ है खुदा से, आंख में आंसू आए, रुखसारे मुस्तफा पर गिरे। हुजूर ने आंख खोली, मुस्तफा को खबर नहीं थी। हुजूर फरमाते हैं, मैं सोता हूँ मेरी आंखें बंद होती है, मेरा दिल जागता है। हुजूर दूर इम्तिहान ले रहे हैं, अली कहाँ था कि मेरी मोहब्बत करता है, अली कहाँ था कि मेरी मोहब्बत करता है, इसको मेरी मोहब्बत की पड़ी है, खौफ खुदा से लड़ रहा है, खौफ
खौफ खुदा से भी नहीं रहे थे, मुस्तफा से मोहब्बत भी कर रहे थे। कसम कसम का आलम अली ने जब आपके रुखसार पर आंसू गिरे, हुजूर ने पूछा अली की तबीयत खराब हुई, क्यों रोते हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, मेरी असर चली गई। हुजूर मुझे सूरज को एक इशारा किया, सुभान अल्लाह, सूरज को एक इशारा किया, डूबे हुए सूरज को असर के वक्त पर ला के रख दिया। अरे अली, नबी की मोहब्बत में नमाज कुर्बान करने वाले की नमाज कभी कज़ा नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी कज़ा ना होती। अली के लिए सूरज वापस आया, गया था अपनी मर्जी से, निकला अली की मर्जी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अली का मकाम है, ये अली की शान है, इनका बच्चा बच्चा वली कामिल है। बुजुर्ग और दोस्तों, सुल्तान और नताए रसूल इसी मौला अली की औलाद है। आपकी सखावत देखते हुए, आपकी गरीब नवाजी देखते हुए ऐसा लगता है कि अली ने हिंदुस्तान में दूसरा अली भेजा, दूसरा अली भेजा है। आप शिखर कौन? हमारे ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल, ख्वाजाए ख्वाजवान, अभी 21 साल के होंगे, अम्मी की गोद में हैं, माँ की छाती से दूध पी रहे हैं। ऐसे आलम में क्या होता है कि गरीब नवाज और अम्मा के पास एक औरत अपना बच्चा लेके आती है। बच्चा बहुत रो रहा है, परेशान है, बेचैन हो रहा है, इधर से उधर सर हिला रहा है। वो औरत आके कहती है, अम्मा कुछ करम करो, कुछ दुआ करो, मेरी छाती का दूध सूख गया है, मेरा बच्चा भूखा रहता है, उसका पेट भर नहीं पाता, कुछ इलाज बता दो, कुछ दुआ फरमा दो, मेरा बच्चा वैसे ही भूखा मर जाएगा। अपनी अम्मा का दूध पी रहे थे, एक छाती से पी रहे थे, दूसरी छाती अम्मा की भरी भरी थी, उस पर भी इख्तियार दो ख्वाजा का है, वो भी दूध ख्वाजा का है। जब माँ की वो आने वाली औरत की फरियाद सुनी, आपने अम्मा का दूध पीना छोड़ दिया, अम्मा की छाती छोड़ दी और अम्मा की आंखों से आंखें मिलाई, अम्मा की आंखों से आंखें मिलाई और इशारतन कहा, अम्मी वो बच्चा भूखा है, उसे तुम दूध पिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अम्मी बच्चे का इशारा समझ गए। आने वाला बच्चा इतना परेशान था, उस औरत को कहा, ला तेरे बच्चे को मैं तुम्हें पिला दिला, इतना खुश नसीब होगा, ख्वाजा का दूध भाई भाई गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस बच्चे को सैलाब कर दिया, बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया, आपने उसके हक़ दुआ फरमाई, वो उसकी भी छाछा दूध से भर गई। ख्वाजा के कदमों की बरकत देखिए, और पैदाइशी तौर पर गरीब नवाज, पैदाइशी तौर पर गरीब नवाज, ये वली तो माँ के पेट से वली बनी। कुछ वलियों को आने के बाद मिलाए मिलती है, कुछ वली अल्लाह के घर से ही वली बन गए, आलम में अरवा में मिलाए गए, जैसे कि गौसे आजम को मिली, मदार आजम को मिली, ख्वाजा आजम को मिली, सुल्तान हूद को मिली। दुनिया में आने से पहले उन्हें खबरें दे दी गई, एक वली आने वाला है, इसके घर ये पैदा होने वाला है, इसका नाम ये रखा गया। बुजुर्ग और दोस्तों, तो आप तो पैदाइशी वली हैं, और हर वली आलिम होता है, किसी जाहिल को अल्लाह ताला विलायत देता नहीं है। अब जो जो खुदा के घर से वली बन के आया, तो किसके पास पढ़ के आया? क्या बात, क्या बात, वाह वाह, वो किसके पास पढ़ के आया? अभी मदरसे में तो गया नहीं है, दारुल उलूम तो गया नहीं है, स्कूल का झांपा देखा नहीं है, इसके पास इल्म आया कहां से? तो ये है
यह है लदुद्दीन। अभी आपने वो वाकया सुना हजरत मूसा अलैहि सलाम का और हजरत खिजर का। हजरत खिजर के पास इल्मे लदुद्दीन था और वो इल्मे लदुद्दीन आज भी दुनिया में बांट रहे हैं और मदी को रास्ता दिखा रहे हैं। सीना बसीना मिलता है तो हर बलि आदि होता है। अब दुनिया में भी आए, दुनिया में भी आपने इल्म हासिल किया है। 9 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान हुए, 14 साल की उम्र में आप मुफ्ती आजम बने। सुभान अल्लाह। ख्वाजा कोई मामूली आलिया का नाम नहीं है। और आप मौजिस भी है। मदीना शरीफ में जब तक आप रुके कई लोगों को आपने हदीस पढ़ाई है। ऐसा ही वैसे वैसे वली नहीं है ख्वाजा। शरीयत तरीकत हकीकत मारे पर के शहंशाह का नाम ख्वाजा है। ख्वाजा कोई ऐसे वैसे वली का नाम नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों 5 साल की आपकी उम्र है। ईद का दिन है, नया लिबास पहन के ईदगाह जा रहे थे। रास्ते में एक अंधा बच्चा गरीब फटे पुराने कपड़े और खड़ा है, रो रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। ख्वाजा ने उसका हाल देखा कि बेचारा गरीब है, आज ईद का दिन है, उसके पास नए कपड़े नहीं है। ख्वाजा घर वापस आए, नमाज पढ़ने न गए ईद की। घर वापस आए, अम्मा ने पूछा बेटा क्या नमाज हो गई? नहीं अम्मा, अभी नमाज पढ़ना जाना, नमाज बाकी है। रास्ते में एक गरीब बच्चा खड़ा है, आंखों से अंधा है, उसके लिबास पे कोई नया लिबास नहीं है। मैं मेरे नए कपड़े उसको दे देता हूँ। आपने नया लिबास उतारा, अपने नए कपड़े रोजाना जो पहनते थे वो पहन के गए। उस लड़के को जाके ने वो कपड़े अपने नया लिबास इतना उसे पहना दिया। सुभान अल्लाह। पैदाइश गरीब नवाज है और क्यों ना हो, ये फैजान अली का है। सुभान अल्लाह। ये फैजान अली का है। इनके दादा के घर से कोई वापस नहीं गया। आज 800 साल हो गए ख्वाजा के घर से कोई वापस नहीं जाता। ख्वाजा के घर से कोई वापस नहीं जाता। बुजुर्ग और दोस्तों बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार वाकियात हैं। आप इल्मे लदुन्नी और इल्मे गैबी मालिक है। एक रोज का वाकिया है बुजुर्ग और दोस्तों कि आपके अखलाक हसना भी बड़े ऊंचे हैं। आपके पास एक मुरीद आता है तो वो कहता है कि सरकार मेरी मदद फरमाओ, मेरे पास काफी नहीं है इफाके से। तो आप अपनी चादर बिछा देते हैं। उसके पास एक शख्स पैसे मांग रहा था, पैसे मांग रहा था। क्या मांग रहा था? वो आया कि भाई तुम्हें पैसे दे दिए। उसने कहा कि मेरे पास ताकत नहीं है, जब आएंगे तब देंगे। गरीब नवाज ने भी कहा कि जब आएंगे जब तेरे पैसे वो वापस दे देगा। अभी उसके पास कुछ नहीं है, अभी दिया कर उसको मुद्दत दे। अरे ये तो कब से वादे वादे रहा है, देता नहीं है। सरकार ने जो चादर बिछाई थी वो उठाई नीचे सोना बोरों का ठिकाना था, दौलत की खजाना था। तूने इसे जितना दिया है उतना ले ले। तू जितना मां मां है मेरे मुरीद के पास उतना इसमें से ले ले। देखकर धन रह गया कि अभी तो मैंने देखा था जमीन पर कुछ नहीं था, चादर बिछाई उठाई था नीचे से खजाना। उसने उसको तो लालच हो गई कि कुछ और भी ज्यादा ले लो। तो जितने दिए थे वो तो लिए और फिर ज्यादा लेने की कोशिश की तो हाथ में लकवा पड़ गया भाई, हाथ वहीं पे झुका। अब क्या करे, अब परेशान रो रहा है, माफी मांग रहा है, मुझे माफ करो गरीब नवाज।
गरीब नवाज गरीब नवाज से जब माफी मांगता है, मैंने तुझे कहा था कि तेरी जितनी रकम है मैं ले ले, तूने ज्यादा क्यों ली, वापस दे दी और फरकान ने दुआ फरमाई, उसका हाथ अच्छा हो गया, वो मौते खींच हो गया, आपका गुलाम बन गया, उसके सारे पैसे माफ कर दिए, गरीब नवाज का गुलाम बन गया। अखलाक थे सरकार गरीब नवाज के, बदला लेना ये तो आम लोगों का काम है, छोड़ देना अल्लाह वालों का काम, छोड़ देना अल्लाह वालों का काम होता है। एक शख्स जिक्र की महफिल में रात रात आता है तो रात को उसको जिक्र होता है, उसमें चिराग चिराग कर दिया जाता है, अंधेरे में जिक्र होता है, सारी जाकी जमा हो गए थे और जिक्र शुरू हुआ। बादशाह ने एक नामी मुसलमान मुनाफिक जैसे को तैयार किया था इनाम देने की जरूरत है कि तुझे इतने रुपए इनाम मिलेगा, बस ये गरीब नवाज को जाके रख कत्ल कर दे। वो मौका तलाश रहा था, देश में मुसलमान की आता था, उसने सोचा कि रात को अंधेरे में जिक्र करते ने उस टाइम पे मुझे चांस मिलेगा, अपने अपने कपड़ों में खंजर छुपा के लेके आया है और धीमे धीमे करीब करीब गरीब नवाज करीब चला जाता है। सारे मुरीद जिक्र कर मैं मशगूल है, इल्लल्लाह 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 की जरबे लग रही है और ये करीब आया तो गरीब नवाज ने उसके कान में धीरे से धीरे से कहा, जो मकसद से आया है वो काम कर ले, अच्छा मौका है। गरीब नवाज का इल्मे गैब देख कर पसीना छूट गया, मेरे इरादे को जान जाएंगे, खंजर निकाल के आपके कदमों में रख दिया, पांव पकड़ के रोया और माफी मांगी, सरकार मैं को राजा ने भेजा था आपकी कत्ल के लिए, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े जबरदस्त दलील को पली हो, ऐसे को भी आपने माफ कर दिया, सुभान अल्लाह, ये बड़ी किसान होती है, औलाद अली है ना, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों दास्तान कर्बला तो हर हर में सुनते होंगे, हुसैन ने यजीद के हक में बद्दुआ न की, बद्दुआ न की, कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन जालिमों ने, किस कैसा जुल्म किया, लेकिन अली के लाल ने रहमतुल आलमीन के नवासे ने अगर एक बद्दुआ का एक रत्न कर दिया होता कर्बला में कयामत हो जाती। नहीं नहीं नहीं, ये अली के लाल है, दुश्मनों का भी ये बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला फैसला करने वाला है। बुजुर्गों और दोस्तों, अली के लालों की बात ही निराली होती है, वो जिसे माफ कर दिया वो आपका मरीज और मौते के ऐसा बना, उसके हक में सरकार ने दुआएं फरमाई, उसने पांचवी शरिया पढ़ी, सुभान अल्लाह, जो आपको खंजर लेके कत्ल करने से आया था उसने पांचवी शरिया पढ़ी और मक्के में जाके मरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह शान सुल्तान वली रसूल की, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह व कुनू मअ सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और डरना अल्लाह से कैसे सीखा जाता है, सच्चों के पास चले जाओ, कुनू मअ सादिकीन, वली बनो तो सच्चा ढूंढो, पीर बनो तो सच्चा ढूंढो, इमाम बनो तो सच्चा ढूंढो, हैं मुर्शिद ढूंढो तो सच्चा ढूंढो, आलिम बनो तो सच्चा ढूंढो, इनमें की झूठे होते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इमाम के पास जाओ, पीर के पास जाओ, हाफिज के पास जाओ, कारी के पास जाओ, मुफ्ती के पास जाओ, नहीं, कुनू मअ सादिकीन, सच्चों के पास चले जाओ, सच्चे तुम्हें अल्लाह से कैसे डरा जाता है वो सिखा देंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। Allah, Allah, Allah.